एक तरफ पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बहुल्य जिला अनूपपुर डिंडौरी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख दिल कांप उठेगा। डिंडौरी जिला चिकित्सालय से मृतक घोषित व्यक्ति को सरकारी एम्बुलेंस की मदद से गांव तक भेजा गया था, पर गांव को दूसरे गाँव से जोड़ने वाली नदी पर पुल न होने और अधिक बारिश के चलते नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाने के कारण एम्बुलेंस नदी तक जाकर रुक गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने मृतक के शव को गाड़ी के ट्यूब पर रखकर तैराते हुए गांव लेकर पहुंचे, तब जाकर मृतक का अंतिम संस्कार किया जा सका। जानकारी के अनुसार अनूपपुर और डिंडौरी जिला के बीच नर्मदा नदी का बताया जा रहा है, जहां अनूपपुर जिला के ग्राम थाड़पथरा एवं डिंडौरी जिला के बजाग जनपद क्षेत्र की ग्राम पत्थर कूचा के बीच नर्मदा नदी बहती है, जहां बाढ़ आने से ऐसे हालात बने हैं। अनूपपुर जिले के थाड़पथरा निवासी 55 वर्षीय विस्मत नंदा को दिल का दौरा पड़ने पर इलाज के लिए नजदीकी डिंडौरी जिला चिकित्सालय परिजन व ग्रामीण लेकर पहुंचे। नर्मदा नदी में बाढ़ के चलते उन्हें ट्यूब पर सहारा लेना पड़ा था, लेकिन परिजन उन्हें बचा नहीं सके। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान रविवार को दोपहर उसने दम तोड़ दिया। सरकारी एम्बुलेंस की मदद से मृतक के पार्थिव शरीर को बजाग जनपद क्षेत्र के ग्राम पत्थर कूचा तक लाया गया, जहां से बाढ़ग्रस्त नर्मदा नदी को ट्यूब्स के सहारे परिजन व ग्रामीण तैरकर गाँव व थाड़पथरा लेकर पहुँचे और मृतक विस्मत नंदा का अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों की मांग है कि हर बारिश में ऐसे हालात बनते हैं, जिसके चलते थाड़पथरा के ग्रामीणों को इलाज सहित दूसरी आवश्यकताओं के लिए एकमात्र मार्ग से आवागमन करना पड़ता है, जहां पर पुल बनाया जाए ताकि आगामी समय में ऐसी परेशानियों का सामना ग्रामीणों को ना करना पड़े।